दोस्तों, आज के इस भागती हुई दुनिया में पैसे कमाना कठिन है और ज़रूरी भी, लेकिन उससे भी ज़रूरी बन जाता है कमाए हुए पैसे को मैनेज करना। अगर आप पैसे कमाकर उसको कहीं रख देते हैं तो वो आपके ऊपर एक लायबिलिटी की तरह होता है या फिर बहुत ही कम पैसे आपको कमा के देता है। लेकिन अगर आप उस फंड को सही तरीके से मैनेज करेंगे, सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, तो वो पैसे आपको उल्टा पैसे कमा कर देंगे। और दोस्तों, इसकी ज़रूरत आज की डेट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि हमारी जो कमाई है, हमारे जो जॉब से सैलरी है, वो ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोविड के कठिन टाइम्स के बाद हम सबको कई सारे ऑप्शंस की तलाश करनी ही चाहिए। इसी बीच हमारे सामने कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं जो कि हमारे पैसों को सही से मैनेज करते हैं और बिल्कुल प्रॉपरली एक बिगनर इंसान भी उन सब चीज़ों को सीख सकता है बिना फाइनेंस की ज़्यादा नॉलेज लिए हुए। तो हमारे सामने आज 3 ऐसे एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि आपकी सहायता करेंगे आपके फंड्स को मैनेज करने में, इन्वेस्ट करने में और भी कई यूटिलिटी प्रोवाइड करने में। पहला ऐप है ग्रो, दूसरा ऐप है फिनिटी और तीसरा ऐप है पेटीएम मनी, जो कि मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। आइए फटाफट इन तीनों फंड मैनेजिंग ऐप्स को कंपेयर करते हैं, जानते हैं कौन आपको कितना सहूलियत देता है और कितनी वेरिएशंस है किस में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी नॉलेज आपके लिए इस वीडियो में अंत तक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीकॉम, टेक और मनी मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हेलो नमस्कार, मैं प्रवीण महुरियार इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। दोस्तों, मेरे पास मेरे फ़ोन में 3 ऐप्स मैंने डाउनलोड कर लिए हैं, फिनिटी, ग्रो और पेटीएम मनी। दोस्तों, ये तीनों ही ऐप्स आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएंगे और iOS के ऐप स्टोर पर भी मिल जाएंगे। तीनों की वेबसाइट भी है तो आप वहां से भी इनको ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इन तीनों ही ऐप के अपने अपने खासियत हैं, लेकिन हम फटाफट से इनका ओवरव्यू आपको देते हैं। ये जो फिनिटी ऐप है, इसमें अभी 6-7 लाख लोग ज्वाइन हैं। जो ग्रो ऐप है, इसमें 1.5 करोड़ लोग ज्वाइन हैं। जो पेटीएम मनी ऐप है, इसमें 6 मिलियन से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं। ये तीनों ही ऐप्स आपको अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं। जैसे फिनिटी ऐप आने वाले समय में स्टॉक इन्वेस्टिंग के साथ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के साथ टैक्स फाइलिंग की सुविधा देती है, जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर ग्रो ऐप आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सहूलियत देती है, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, US के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि इस समय फ्लाई बूम कर रहा है, आप FDs में पैसा लगा सकते हैं और गोल्ड खरीद सकते हैं। वहीं पेटीएम मनी में स्टॉक इन्वेस्टिंग के साथ, पेंशन प्रोडक्ट के साथ, NPS और IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। IPOs भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और आम जनता इससे बहुत लाभ हासिल कर रही है। हम बात करते हैं इन तीनों पे आपको अकाउंट कैसे बनाना है। फिनिटी ऐप में अकाउंट बनाना मुझको सबसे आसान लगा, क्योंकि मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया, अपना नंबर और ईमेल प्रोवाइड किया और फटाफट मेरा अकाउंट मेरे सामने। जी हाँ, मुझको यहाँ पर KYC कराने की ज़रूरत है और यहाँ पर आपका आधार कार्ड और पैन नंबर डालने की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तो आपको सहूलियत रहेगी, लेकिन कोई लायबिलिटी नहीं लगाई गई कि तुरंत कीजिए। हो सकता है डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ना हो, फिर भी आप ऐप में स्क्रॉल इन करना चाहते हैं तो फिनिटी में यहाँ पर यह सहूलियत है। ग्रो में मुझको तुरंत ही सब काम करना था, KYC करना था और फिर जाके मेरा ऐप ओपन हुआ, तो ठीक है, इनका अलग सिस्टम है। और पेटीएम मनी में भी मुझको सिर्फ लॉगिन करना पड़ा, लेकिन इनका इंटरफेस मुझको उतना अच्छा नहीं लगा जितना कि ग्रो और फिनिटी का लगा। दोस्तों, यहाँ पर अभी मुझको KYC कंप्लीट करना होगा ताकि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकूँ। स्टॉक्स में आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो आपको SEBI की गाइडलाइंस के हिसाब से ही आधार कार्ड की KYC और पैन रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अब हम फटाफट इन ऐप्स को ओपन करके आपको बताते हैं कि कैसे क्या काम होगा। फिनिटी ऐप मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैं एक बार KYC करा लूँगा तो मैं अपना मनी ऐड कर सकूँगा, और मनी ऐड करने के बाद यहाँ पर आप इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, डेप्ट में कर सकते हैं, हाइब्रिड में कर सकते हैं, गोल्ड ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड पैसे लगाने का वो सोर्स होता है जहां पर पैसे तो आप लगाते हैं पर कुछ स्मार्ट एक्सपर्ट लोग बैठे रहते हैं जो कि उस पैसे को सही कंपनीज में लगाते हैं और एक बेस्ट आउटपुट निकाल के आपको देते हैं। इस समय कौन से म्यूचुअल फंड ट्रेंडिंग चल रहे हैं, ये फिनिटी आपको रिकमेंड कर सकता है। जैसे यहाँ पर फिनिटी ने रिकमेंड किया है हाई ग्रोथ फंड, और आप SIP में पैसा लगाना चाहते हैं या वन टाइम मंथली पे करना चाहते हैं कि वन टाइम मैं SIP में लगाना चाहता हूँ 5,000 महीने, तो नेक्स्ट किया आप अपना रिस्क प्रोफाइल चेक कीजिए कि आप एग्रेसिवली पैसा लगाना चाहते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए या बहुत ही कंजर्वेटिव हैं। तो यहाँ मैं मॉडरेट बन के क्लिक करता हूँ और शो माई फंड्स पे क्लिक करता हूँ, तो
फिनिटी ऐप मुझको रिकमेंड कर देगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेस्ट रहेगा। फिलहाल ये आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में बता रहा है, और अगर मुझको इसके बारे में चेकआउट करना है कि ये कैसा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इस पूरे म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री, परफॉर्मेंस सब कुछ जान सकता हूँ। और मैं यहीं से स्क्रॉल भी कर सकता हूँ दूसरे फंड में जाने के लिए। ये फीचर मुझको काफ़ी अच्छा लगा लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर। 11.7% का रिटर्न दे रहे हैं ये पिछले 5 सालों में, और दोस्तों यहाँ पर इनका NAV 79.94 का है, 5,859.71 करोड़ का दोस्तों का कैपिटलाइजेशन है। ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं 5 साल का, 3 साल का, 6 महीने का, या 1 महीने का, या 1 साल का, 3 महीने का, अपने अकॉर्डिंग। फंड के हिसाब से निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है इसकी भी यहाँ पर कंपैरिजन है, बहुत बढ़िया बात। पोर्टफोलियो का डिटेल आप चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर पैसे ज़्यादा कहाँ लगे हैं, तो इक्विटी में इतना लगा है, अदर्स में इतना लगा है, डेट में इतना लगा है, और इसके अलावा और भी जानकारी लेना चाहते हैं किस सेक्टर में कितना लगा है, ये आप चेक कर सकते हैं। हाउ इट वर्क्स पे क्लिक करके आप और अच्छे से डील को समझ सकते हैं। आप कौन से पैसे किस तारीख को किस फंड में डालना चाहते हैं ये भी कंफर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल फिनिटी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपके पैसे को इन्वेस्ट करवाता है म्यूचुअल फंड्स में। अब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं लेकिन दूसरे ऐप्स में। तो यहाँ पर मैंने ग्रो ओपन कर लिया, म्यूचुअल फंड आपको राइट बिलो मिल जाएगा और यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लगभग चीज़ें वैसी ही हैं, पर ग्रो का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा यूनिक रहता है, तो आपको ये पसंद आ भी सकता है और नहीं भी पसंद आ सकता है। इनके जो म्यूचुअल फंड हैं ये भी प्रॉपर तरीके से लिस्टेड हैं। क्यों कैसे से आपको करना है तो आप कर सकते हैं इम्पोर्ट फंड्स पे, NFO लाइफ पे, ग्लोबल फंड्स पे। कलेक्शंस यहाँ पर चेक कीजिए कि टैक्स सेविंग कौन से हैं जिसमें आपके टैक्स के पैसे बचेंगे, FD से बेटर कौन सा है, सेक्टर आपको बेट करना है, पर्टिकुलरली एक सेक्टर में जाना है तो उस पर क्लिक कीजिए। SIP विद 500 रुपीज़, 500 रुपये से आप SIP चालू करना चाहते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान में तो वो भी आप कर सकते हैं। हाई रिटर्न आपको चाहिए, रिस्क आप बेयर कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डैशबोर्ड में आप अपने फंड्स को मैनेज करेंगे, जो भी आपने फंड लगा है वो यहाँ से सेलेक्ट करके हटा सकते हैं या खरीद सकते हैं। अब बात करें पेटीएम मनी की, तो पेटीएम मनी में स्टॉक्स के बाद म्यूचुअल फंड का यहां पर ऑप्शन आपको मिलता है। KYC आपके लिए कराना जरूरी है, आप नहीं भी कराते फिर भी आप चेकआउट तो कर ही सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको जो बेनिफिट है वो पेटीएम कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है। नो लिमिट ऑन बाय सेल, 0% कमीशन, अप टू 1% हायर रिटर्न्स। दोस्तों ये उनमें भी है पर पेटीएम इस पे क्लेम कर रहा है कि ये उनका एडवांटेज है। वेल्थ बास्केट आपको देखना है तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड विद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आइडिया, टैक्स सेवर फंड्स, लगभग वैसी ही चीज़ें हैं, बस दूसरे दूसरे नाम के साथ, दूसरे दूसरे स्टाइल के साथ प्रेजेंट किया गया है। लेकिन ये जो पेटीएम मनी ऐप है ये म्यूचुअल फंड्स पे थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। कुछ दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं तो फिनिटी ऐप की एक और खासियत है कि पैसिव इंडेक्स फंड नाम का एक एक्स्ट्रा आपको सुविधा मिल रहा है, जो कि 2% आपको मोर एक्टिवली मैनेज फंड्स में कमवा सकता है। कैसे? पैसिव इन्वेस्टिंग बेसिक्स वाली वीडियो आप देख के और डिटेल में समझ सकते हैं इस ऐप में, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे दूं तो आप डे टू डे में अगर इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहते हैं, रोज टेंशन नहीं लेना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है या फिर कैसा परफॉर्म कर रही है या बुरा कर रही है, या 10% गिर गई तो कल 5% उठ गई, आप ये टेंशन नहीं लेना चाहते तो पैसिव इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप कई महीनों के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए और यहाँ पर आपको बेस्ट रिटर्न का वादा फिनिटी कर रहा है। टॉप इंडेक्स फंड में आप निफ्टी बैकर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि निफ्टी से इंडिसेस को उठा रहे हैं, तो जैसे जैसे निफ्टी परफॉर्म करेगा वैसे वैसे परफॉर्म करेंगे। सनसेक्स से भी उठाया जाता है दोस्तों, तो आप यहां पर थोड़ी रिसर्च करके ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बजाय पैसिव इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करके। यहां पर आप रिटर्न भी देख सकते हैं, 16.4% तक का दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये थी फिनिटी खासियत। ग्रो की खासियत क्या है? स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ये बहुत अच्छे से कराते हैं। अगर आप कोई कंपनी का स्टॉक खरीदना चाहते हैं, तुरंत बेचना चाहते हैं, और फिर दूसरी कंपनी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वो काम यहाँ पर बहुत अच्छे से होता है। SBI का आपको स्टॉक परचेज करना है, SBI पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप उसके ग्राफ चार्ट को स्टडी कर सकते हैं, वो बैंक सेक्टर से है, एक वीक, एक मंथ, एक ईयर में कितना परफॉर्म कर रहा है, उनका टॉप हाई टॉप लो क्या था 52 वीक में, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इसको किसी और से। एनालिस्ट का एस्टिमेट क्या है, बाय करना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, ये भी आप यहाँ समझ सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, फाइनेंस का परफॉर्मेंस,
और भी बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल स्टाइल में दिखाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। बैक करते हैं, आप दूसरे स्टॉक्स को भी चेक कर सकते हैं, मार्केट प्राइस से शॉर्ट कर सकते हैं कि कौन हाई पे चल रहा है, कौन लो पे चल रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे वॉच लिस्ट बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। डैशबोर्ड में आप वो सारे स्टॉक्स को देख सकते हैं जिसमें आपने पैसा लगाया होता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, तिलाल ओसवाल, SBI, डीमैट, इनमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, लेकिन ग्रो ऐप में बहुत एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी चीज़ें सिंपल और आसान तरीके से दिया गया है। UPI से पैसे आप मंगा भी सकते हैं इसमें, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब बात करें पेटीएम मनी की, तो ये भी स्टॉक्स में आपको अच्छे से पैसे लगवा रहे हैं, पर इनका इंटरफेस ग्रोज इतना अच्छा नहीं है, पर इनमें भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि मार्केट के इंडिसेस को ये दिखा रहे हैं कि निफ्टी 50 टॉप जो परफॉर्मिंग कंपनी है वो कैसा कर रही हैं, BSE की कंपनीज़ कैसा कर रही हैं, और निफ्टी में बैंक की कंपनीज़ कैसा कर रही हैं, टॉप 100, टॉप 200, 500 कंपनी कैसा कर रही हैं, मीडिया, IT सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स की कंपनी कैसा कर रही हैं, तो यहाँ पर सेपरेशन के साथ दिया गया है। तो अगर आप थोड़े भी फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं तो ये आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं। बैक हम चलते हैं, तो पेटीएम में IPOs को लेकर बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर ध्यान दिया गया है। आप IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कंपनी प्रोवाइड कर रही हैं उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। जैसे नायका आने वाला है, फिनो पेमेंट बैंक आने वाला है, पेटीएम कंपनी का खुद आने वाला है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा, उसकी रेंज क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, और उस हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। तीनों ही ऐप्स में आपको मेल और कॉल करके कस्टमर केयर से बात करने की सुविधा मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिनिटी ऐप के एक और अच्छी खासियत के बारे में बात करूंगा, वो है फ्री टैक्स फाइलिंग। टैक्स फाइलिंग के लिए आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं CA के पास, लेकिन अब वो काम यहां पर काफी आसान से डू इट योरसेल्फ तरीके से हो जाएगा। अगर आप पर्सनल CA भी हायर करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डू इट योरसेल्फ, अगर आपको पेपर वर्क की जरा भी जानकारी है तो अपना फॉर्म 16 अपलोड करके, रिव्यू एडिट करके आप फाइल ITR कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप यहां से हायर CA कर सकते हैं, वहां से आप अपना ITR फाइल कर लीजिए। ग्रो ऐप में ऐसी कोई सुविधा नहीं है और ना ही पेटीएम ऐप में ऐसी कोई सुविधा है, लेकिन इसके अलावा कुछ और सुविधाएं हैं, जैसे कि पेटीएम ऐप में वेल्थ एंड बास्केट है, जो कि दोस्तों नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस देगा स्टॉक्स और ETF में इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों यहां पर NPS की सुविधा क्या है, नेशनल पेंशन सिस्टम, आप शुरू में कुछ पैसे दीजिए और बाद में पैसे आपको मिलेंगे आपके रिटायरमेंट के दौरान, ये भी एक अच्छी बात है। पेटीएम खुद वॉलेट से कनेक्टेड है तो वहां से पैसे जाते हैं, फिनिटी में आपके बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे जो आप यहाँ पर ऐड करते हैं, और बात करें ग्रो की तो वहाँ भी यही सिस्टम है, UPI की भी एक्टिवेशन है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो ट्रैकर दिया गया है, फाइनेंशियल टूल्स में रिस्क प्रोफाइलर कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, फाइनेंशियल हेल्थ चेकर, टैक्स कैलकुलेटर दिया गया है कि आप कितने टैक्स के लायबल होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप आपको खुद इस्तेमाल करते हुए समझ सकते हैं। तीनों ही ऐप्स अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, मैं आप रिकमेंड करता हूं कि आप इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हैं, अपनी अपनी जगह, सब में कुछ खासियत है जो कि मैंने इस वीडियो में बता दी। मार्केट में काफ़ी तेज़ी से दोस्तों फंड्स को मैनेज करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग बढ़ रहा है, तो आप ज़रूर इनको चेकआउट कीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली को साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।